आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में अमित जी के साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के ऊपर। जैसे कि अमित जी ने बताया था, कोई भी रोप रिपोर्ट जब बनती है तो उसमें इम्पोर्टेंट होता है उसका फॉर्मेटिंग। अगर फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है तो फिर इसकी रिपोर्टिंग भी ठीक नहीं होगी। तो फॉर्मेटिंग में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि हम कलर कैसे करते हैं, हम बॉर्डर कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें तो नॉर्मली पता है आपको, लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए उसी ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे टेंथ लिखता हूँ, और जैसे वर्ड में जाके आप टेंथ लिख के स्पेस करते हो तो टेंथ ऊपर की तरह चला जाता है, लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। एक्सेल में ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, टीएच को लेना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे जाना है, और यहीं पे आपको दिखेगा सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है, देन ओके, ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो सबस्क्रिप्ट नीचे की तरफ और सुपरस्क्रिप्ट ऊपर की तरफ। जैसे मान लीजिए आपको 10 डिग्री लिखना है तो 10 और स्मॉल में ऊपर रखिए, और फिर इस ओ को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसको कीजिए सुपरस्क्रिप्ट। ये आपका चला जाएगा 10 डिग्री। तो टेंथ और इस तरह से लिख सकते हैं। बट बात आती है जब आपके पास कोई बड़ा डेटा हो, बड़ा डेटा पे कैसे करें, क्योंकि ये तो एक दो चीजों पे कर लेंगे क्योंकि पूरा मैनुअल हो रहा है ना। क्या अमित जी, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 50 दे दिया, यहाँ पे 60, इस तरह से हमने कुछ नंबर्स लिख दिए। अब इन सबो नंबर के ऊपर करना है तो प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहला तो मुझे इसके अंदर ओ डालना पड़ेगा, ठीक है, और फिर इस ओ का प्रॉब्लम क्या है कि पूरे सेल को सेलेक्ट करके अगर आप सुपरस्क्रिप्ट करते हैं तो पूरा का पूरा सेल की जो वैल्यू है ना वो सुपरस्क्रिप्ट हो जाती है। मतलब जिस करेक्टर को ऊपर करना है उस करेक्टर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और सुपरस्क्रिप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि बहुत सारा डेटा हो तो करें हम। तो यहाँ पे हम एक छलावा मतलब एक विजुलाइजेशन क्रिएट करते हैं। हम इसके बगल वाले सेल में जाते हैं, स्मॉल ओ को लिख देते हैं। अब देखिए एक कंसेप्ट बताने के पीछे पर्पस ये है कि जरूरी नहीं है कि जो आप दिखाना चाहते हैं उसके लिए कुछ हो सही तरीका, आप उसको अलग तरीके से भी दिखा सकते। तो फॉर्मेट सेल में इसको हम सुपरस्क्रिप्ट कर देते हैं। सुपरस्क्रिप्ट करते ही क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, और इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते। अब इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, यहाँ पे बॉर्डर्स, और इस बॉर्डर्स के अंदर में हमने ऊपर का बॉर्डर ले लिया, नीचे का ले लिया, बीच का ले लिया, दोनों साइड का। ये वाला बॉर्डर जो है ना नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा इसको नहीं लेना, और इसको कर दीजिए वाइट कलर से फिल। क्या लग रहा है, अब लग रहा है कि दो अलग अलग सेल में लिखा हुआ है। इसी तरह के छलावा क्रिएट करते हैं और इसका अच्छा बेनिफिट भी होता है। अब एग्जांपल के लिए मैं ये टेम्पलेट की बात करता हूं, टेम्पलेट दिख रहा है ना, आप सोच रहे होंगे कि पूरा का पूरा किस तरह से बनाया गया, ये दिख रहा है आपको। तो बेसिकली देखिए इसने एक सेल में इस तरह से लिखा और इस तरह के एक आर्ट्स को लिया और इन्होंने इस तरह से इसको सेट किया। आप सोच रहे होंगे कि ये तो डायरी का पूरा है, अब डायरी का कैसे बनाया होगा, ये किस तरह से बनाया होगा, तो ये दिख रहा है ना सर, ये फोटो है, बाकी नॉर्मल सेल है, दिख रहा है ना सर। अब इस सेल के ऊपर इसको इस तरह से मैंने लोकेट किया, ऐसा लग रहा है कि डायरी का पेज है, समझे। अब पूछे बोला दिख रहा होगा कि भाई ये कर्व कैसे हुआ है, तो बेसिकली ये जो दिख रहा है ना एक अलग लाइन है, समझे। इसमें आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे कि कुछ चीजें अगर हम इंटरनेट से कॉपी करके लाते, मान लीजिए हम इंटरनेट पे चले गए और कुछ ऐसी इसी इंफॉर्मेशन की तरह इसी को मैंने कॉपी कर, कंट्रोल सी के कॉपी कर लिया। अब इस कॉपी को लेके अब यहाँ कैसे पेस्ट करें, मुझे एक क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, एक पे करूँगा दिक्कत होगा। तो हम लोग कई सारे सेल को लेके क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। मर्ज दिख रहा होगा, अब मर्ज भी इसको पेस्ट कीजिएगा तो पेस्ट नहीं। अब कोई भी टेक्स्ट जो कि इंटरनेट और वर्ड वगैरह जैसे चीजों से लिए है आपने, अब उसको कॉपी करके अगर इसके ऊपर पेस्ट करते हैं तो आपको डबल क्लिक करके पेस्ट करना, क्या करना होगा, डबल क्लिक। अब डबल क्लिक करने के बाद इतना टेक्स्ट सही से नहीं दिख रहा है, तो ऊपर आपको दिख रहा होगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट करेंगे तो टूट जाएगा, और थोड़ा सा कॉलम बढ़ा करके देख लीजिए कि सारे टेक्स्ट है ना। हाँ, सब टेक्स्ट है। ओके, अब मान लीजिए इसमें अगर कुछ गलत हो गया, जैसे मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वर्ड जो है ना वो गलत है। अब इसको कैसे समझाएंगे कि गलत है, फोन पे क्या समझाएंगे, बस समझ में आने बंदे को तो गलत होगा, या फिर यहाँ कमेंट लिख देंगे तो भी समझ में आना मुश्किल है। तो हम करते हैं इसको डबल क्लिक सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले इसकी कलर कर देते हैं रेड, फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाते हैं और इसको कर देते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या कर देते हैं, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है कि जो सिलेक्टेड करेक्टर है उसको बीचे बीच इस तरह से काट देता है। अब सबको समझ में आ जाएगा ना कि ये गलत है, बताने की जरूरत तो नहीं है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं, अगर कुछ नंबर्स हैं, अब उस नंबर्स में चीजें तो नहीं की जा सकती ना सर। मान लीजिए कि इसमें 63 जो है या 20 जो है गलत है, तो मैं फॉर्मेट सेल पे जाके 20 को स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा तो थोड़ा सा उतना नहीं समझ में आने वाला है ना। लेकिन इसी चीज को अगर मान लीजिए मेरे पास नोटपैड होता, इसको प्रिंट आउट में होता और पेन होता मेरे पास, तो क्या करता, पेन लेता और इसको यहां से इस तरह से क्रॉस कर। लेकिन जो पेन से क्रॉस कर रहा हूं ये तो मेरा जूम का टूल से इसलिए कर रहा हूं ना, एक्सेल में थोड़ी है, एक्सेल में कैसे करेंगे क्रॉस। एक्सेल में क्रॉस करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर, तो बॉर्डर में जाएंगे फॉर्मेट सेल के अंदर, किसी भी ये नंबर पे या अलाइनमेंट के इस पे या फॉन्ट के इस पे क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल करते हैं तो आपको फॉर्मेट सेल का पॉपअप आ जाता है। इसमें हम बॉर्डर्स पे आते हैं और बॉर्डर्स पे आते ही हम यहाँ से कलर चूज कर लेते हैं रेड, और थोड़ा सा थिकनेस वाला ले लेता हूँ बॉर्डर, और ये वाली बोलो क्लिक करता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ दैट। ओके, फिर यहाँ पे हम F4 करते हैं। F4 जो होता है लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, दैट्स F4, समझ गए। तो आप देख सकते हैं बन गया, सही का निशान लगाना हो तो कुछ इस तरह से भी लगाया जा सकता है। बॉर्डर में इस पर कलर हम ग्रीन ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और इसको करते हैं, देन आगे समझ में। लेकिन ये जो चीज आप देख पा रहे हैं ना, ये जिस विजुअल के लिए मतलब प्रिंट आउट और दिखावे के लिए, इसके ऊपर कोई फिल्टर कंडीशंस नहीं लगा सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई जो क्रॉस है उसके जगह पे कुछ और शो कर दे, इफ फॉर्मूला लग जाए, ये चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मेटिंग को कभी भी फॉर्मूला रीड। तो एक्चुअल में जैसे क्या कर, तो इसके लिए तरीका है कि मैं यहाँ पे कैप्स में पी को लिखूंगा और ओ को लिखूंगा। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ फॉन्ट, फॉन्ट क्या करता है लिखावट चेंज करता है, हैंडराइटिंग अलग अलग लोगों की होती है, इस तरह से अलग अलग लिखावट को चेंज करता है। इसी में हम नीचे आते हैं तो एक बाइंडिंग टू नाम को फॉन्ट दिखेगा, बाइंडिंग टू या बाइंडिंग टू है, हाँ ये ओके कर दीजिए। तो वो क्या करेगा कि पी को कर देगा इस तरह के टिक के निशान में, ओ को कर देगा क्रॉस। अब आगे चल के मुझे फिल्टर लगाना है तो सिंपल से जाएंगे और यहां से हम फिल्टर ले लेंगे, ओ को पी को सिलेक्ट कर लेंगे, आ जाए। इसे फॉर्मूला लगाना है तो एक्चुअली में दिख रहा है आपको ये, बट एक्चुअली में आपको पी यहां दिख रहा होगा या ओ दिख रहा होगा।
इस तरह की चीजें कर सकते हैं। अब ये तो हो गए चलो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फॉन्ट हमारे सिस्टम में होते रहे, क्योंकि जो फॉन्ट आप देख रहे हैं एक्सेल का पार्ट नहीं है, ये विंडो का पार्ट होता है, किसी ने अनइंस्टॉल कर दिया, किसी को दिखा नहीं, इस तरह की चीजें हो तो क्या करें। एक और तरीका है, देखिए क्रॉस तो है ही हमारे पास, क्रॉस तो एक्स है पास, एक्स इज क्रॉस, तो टिक के निशान के लिए हम कैप्स में जे को लिखते हैं और इस जे के ऊपर अलाइनमेंट लेके आते हैं, और अलाइनमेंट के अंदर हमारे पास ये दिख रहा होगा, इसको हम -45 डिग्री के एंगल पे रोटेट करके, ठीक है। तो चीजें की जा सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि रोटेशन वाला काम इसी तरह से यूज है या इसका कोई है। चलिए एक छोटा सा डेटा बना, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया, नेम, और यहाँ पे डेट दे दिया, जून का डेट दे दिया। कंट्रोल शिफ्ट हैश कीजिएगा तो डेट इस तरह से दिख जाएगा, और हम इस पे इक्वल करते हैं, पहले वाले को सिलेक्ट करके इस पे +1 करते हैं तो नेक्स्ट डे आ जाएगा, और इसी को आगे ट्रैक करेंगे तो डेट सीक्वेंस दिया 24 जून, और भी कुछ होता है, 10 भी हो सकता है, और पी कर देते हैं। और इसको लेते हैं और यहां से बॉर्डर, प्रॉब्लम ये है कि एक सेल में एक पेज पे प्रिंट नहीं, हमने प्रिंट के लिए क्या कंट्रोल पी किया प्रिंट के लिए, या फिर फाइल मेनू बार में आप जाके यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि एक नहीं दिख रहा, तो चलो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो नॉर्मल मार्जिन है इसको नैरो कर देते हैं, तो चलो 2 दिन बढ़ गया, लेटर सही है, लेटर की जगह A4 कर देते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, पोर्ट्रेट के जगह पे आप लैंडस्केप कर देते हैं तो फर्क पड़ा, फिर आप देख पा रहे हैं कि 11 जून तक ही दिख रहा है, पूरा अटेंडेंस आपको नहीं दिख रहा है। तो हमने अपने अटेंडेंस शीट को देखा तो मुझे पता लगा कि इसके अंदर डेटा तो छोटा है, सिर्फ कॉलम का हेडिंग बड़ा, तो हमने क्या किया पूरे शीट को सिलेक्ट किया और हम अलाइनमेंट जो है यहाँ, जैसे बताया था आपको कि हम लोग यहाँ अलाइनमेंट से चेंज करते हैं ओरिएंटेशन, इसको भी यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा ओरिएंटेशन, यहाँ से मैंने रोटेट टेक्स्ट अप कर दिया 90 डिग्री पे मूव हो गया, अब पूरे सीट को सेलेक्ट किया और किसी एक कॉलन के बॉर्डर के ऊपर जाके मैंने जस्ट डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक करते ही आपने देखा कि आपका ऑटो फिट हो गया। क्या हो गया? ऑटो फिट मतलब कॉलम को जितना बड़ा साइज चाहिए डेटा के अकॉर्डिंग उसने ले लिया, तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रिंट आउट आपके सामने में पूरा आएगा, साथ में आपके स्पेस बच भी रहा, समझ गए। इसी तरह से हम प्रिंट की सेटिंग वगैरह भी करते हैं और चीजों को इस्तेमाल इन चीजों की करते हैं। अब चलिए कुछ छोटे मोटे चीजें उसको देख लेते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे है ओरिएंटेशन हमने कर ही लिया, इसमें आपको दिख रहा होगा ए इंडेंट, राइट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया डेली सेल्स रिपोर्ट, दिख रहा है आपको सर थोड़ा बड़ा कर, लेकिन डिमांड के तौर पे मुझे यहाँ चाहिए तो मुझे यहाँ उठा के इसको यहाँ रखना पड़ेगा, अब उठा कर रखते हैं तो दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये फॉर्मूला से यही पाया हुआ, मतलब मैं चाहता हूं कि टाइप मैंने यहां किया लेकिन शो यहां होना, उस केस में हम यहां से इंडेंट लेके आए,
ध्यान रखिएगा, एक्सेल के अंदर जब भी हम कुछ टाइप करते हैं ना, एक्सेल का एड्रेस होता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे सुजीत और कुमार कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं कि कुमार जो है इस बॉर्डर से बाहर जा रहा है, इंग्लिश की तरफ जा रहा है, अभी दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा नहीं दिखेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सुजीत और KUM लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है इस सेल के अंदर। तो एक सेल है जिसके अंदर हम 32,767 करेक्टर लिख सकते हैं, चाहे वो सेल कितना ही छोटा क्यों ना हो। और सेल के अकॉर्डिंग चलता, हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, जैसे कि A4। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, इंडेंट कर, लेकिन हर बार इंडेंट नहीं करना होता। जैसे यहाँ पे देखिए कट रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं। देखिए रैप टेक्स, रैप टेक्स करते ही रो आपका बड़ा हो जाता है और नीचे आ जाता। रैप टेक्स की बात हुई, तो रैप टेक्स मैं चाहता हूँ मेरे हिसाब से होना चाहिए टाइप करते समय। तो टाइप करते समय आप ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर नीचे रैप हो जाएगा इस तरह से। लेकिन मुझे रैप नहीं करना, क्योंकि तो रैप करने से रो की साइज बढ़ जाती है, ऑटो फिट करने से कॉलम की साइज बढ़ी हो जाती है। ना मुझे कॉलम का साइज बड़ा करना है, ना मुझे रो का साइज बड़ा करना। मैं चाहता हूं कि जितना बड़ा कॉलम की हमारे सेल का साइज है, उसी में मेरा टेक्स्ट फिट हो जाए। तो फॉर्मेट सेल पे आते हैं और यहीं पे हम करते हैं रैप, तो सिंक, माफी जा सिंक टू फिट, सिंक टू फिट। तो जैसे कॉलम बड़ा होगा ये अपने आप को बड़ा करेगा, जैसे छोटा होगा अपने आप को छोटा करेगा। समझ गए? उसके बाद यहाँ मर्ज है, मैं बताया था मर्ज की, एक सिलेक्ट करते हैं एरिया को, यहाँ से मर्ज कर देते हैं। मर्ज के साथ एक आता है मर्ज एक क्रॉस। ये मर्ज क्या, ऊपर वाला मर्ज क्या कर रहा है, सबको एक बना रहा है। लेकिन मर्ज क्रॉस कीजिएगा सिर्फ इसका कॉलम मर्ज करेगा, रो मर्ज नहीं करेगा। दिख रहा है आपको? फॉर्म वगैरह में हमें इसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है, हमेशा तो नहीं पर कभी कभी जरूरत पड़ती है। वापस क्लिक करोगे तो अनमर्ज। उसके अलावा हम नंबर, नंबर की फॉर्मेटिंग हम लोग थोड़ा ज्यादा करते हैं, कि एक्सेल पे हम नंबर ज्यादा लिखते हैं ना। जैसे कोई नंबर आपने टाइप किया, वो जनरली वो जनरल फॉर्मेट में चला, जनरल फॉर्मेट जैसा टाइप होगा वैसा दिखे, बट उसको चेंज किया जा सकता है। जैसे नंबर, इसको हमने नंबर फॉर्मेट में चेंज कर दिया। तो नंबर फॉर्मेट में क्या क्या डाल सकते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ देखिए डेसिमल प्लेसेस, कि आप अपने नंबर में डेसिमल में ऊपर आपको सैंपल दिख रहा होगा ऐसा दिखेगा। तो डेसिमल प्लेसेस है, 1000 से पहले डालेंगे तो 1000 का कॉमा लग जाएगा, हटा दीजिए नहीं दिखेगा। यहाँ नेगेटिव नंबर्स, अभी जब फिलहाल माइनस में दिखेगा, आप रेड कर देंगे तो कलर दिखेगा, माइनस का सिंबल नहीं दिखेगा, माइनस का सिंबल दिखेगा, माइनस सिंबल और कलर रेड दोनों दिखेगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा फॉर्मेटिंग जस्ट विजुअल को चेंज करेगा, ओरिजिनल को नहीं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, जो भी डेटा है आपका विजुअल यहाँ होता है और ओरिजिनल ऊपर होता है, ठीक है? तो कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो इसको चेंज करेगा, ना कि इसको चेंज करेगा, राइट सर? करेंसी में आते हैं तो हम करेंसी का सिंबल लगा सकते हैं। अपने पास रुपीस का सिंबल है क्योंकि मेरे पास Windows 11 है, लेकिन आपके सिस्टम में Windows 11 हो इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि 10 भी हो सकता है, 7 हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा Windows 8 से पहले के जो विंडोज होंगे, Windows 7 है उसमें रुपीज का सिंबल नहीं दिखेगा, क्योंकि Windows 7 Windows 8 के आसपास आया था और रुपीज का सिंबल 2011 में आया। उसके बाद अकाउंटिंग है, आप अकाउंटिंग है, आप करेंसी का दे सकते हैं, डेसिमल से दे सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग का एक और यूज हम करते थे ऑफिस में, क्या होता था कि हमें कुछ रिपोर्ट्स को प्रिंट आउट निकालने होते थे, और रिपोर्ट 0 to 9 के बीच में हुआ करते थे। अब 0 to 9 के बीच में हो जाने के कारण दिक्कत क्या होता था कि 0 को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता था, और कंडीशन इन्वर्टिंग लगा के हम उसको कलर भी नहीं कर सकते थे, कलर अलाउड नहीं था। हम चाहते हैं कि 0 जो है भुनना ना पड़े, अपने आप दिख जाए। तो फॉर्मेट सेल पे जाते थे और इस पे हम अकाउंटिंग अप्लाई कर देते थे, अकाउंटिंग में सिंबल को नन कर देते थे, इसको 0 कर देते थे, डेसिमल प्लेसेस।
इससे क्या होता था, जीरो जो है वो एक्चुअली में हो जाता था डैश। तो डैश जो हुआ क्या हुआ, विजुअल हुआ, ओरिजिनल में है जीरो ही। हमें जो रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा है ना, मैं कॉपी इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट एज ए वैल्यू कर देता हूँ, तो सारे फॉर्मूले गायब हो जाएंगे, गायब हो गए फॉर्मूले, ठीक है सर। लेकिन डैश दिख रहा है पर एक्चुअली ऊपर क्या है, जीरो। इसने बोला था कि फॉर्मेटिंग जस्ट विजुअल को चेंज करता है, जो सामने दिख रहा है, जो प्रिंट आउट होगा, बट एक्चुअली जो फंक्शन वार में है, फॉर्मूला वार में है, वो आपका राइट सर। अब नंबर के अंदर आते हैं, और नंबर में यहाँ पे आपका परसेंटेज है, ए सॉरी डेट है, डेट अपने हिसाब से दे सकते हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग डेट्स है, ऐसे ही टाइम का भी अपना अलग अलग कंट्री के अलग अलग टाइम्स है। परसेंटेज नॉर्मल है, फ्रैक्शंस जैसे मैंने हाफ लेवल सेलेक्ट कर लिया तो क्या होगा, मैं डालूंगा 2.5, एंटर मारते ये 2.1/2 हो जाएगा, ठीक है सर। साइंटिफिक साइंटिफिक फॉर्मेट में होता है, ऐसे कोई खास नहीं। टेक्स्ट टेक्स्ट को जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे ई कॉलम के अंदर में चेक नंबर लिखना है, ठीक है। अब जो चेक नंबर है वो 6 डिजिट का होता है, तो 1 2 3 4 5 6 लगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 4 डिजिट होता है, तो हमें 2 जीरो लगाना पड़ता है, समझे। लेकिन एंटर प्रेस करते हैं, जीरो एक्सेप्ट नहीं, हमें क्या करना होता है, हमें सिंगल कोट लगाना होता है, उसके बाद हमें लिखना पड़ता है, तो जीरो एक्सेप्ट हो जाता है। अब सिंगल कोट लगाने से क्या हो गया, देखिए यहाँ मैसेज दे रहा है ना, नंबर स्टोर एज ए टेक्स्ट, तो बेसिकली टेक्स्ट में स्टोर, मतलब कि ABCD की कैटेगरी में इसकी जात बदल गई, मतलब इसका फॉर्मेट बदल गया, इसकी जात बदल गई, कास्ट बदल गया, अब नंबर था, नंबर से अपना धर्म परिवर्तन करके टेक्स्ट, समझ गए। तो हर सेल में मुझे इसी चीज को करना है, तो बार बार सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं पूरी सेल को सेलेक्ट किया और इसको टेक्स्ट कर दिया, ओके। अब मुझे सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, कि जो है अपने आप हम यहाँ पे जीरो लगा सकते, समझ गए। अब ध्यान रखिएगा, मैं इस पे कोई फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो फॉर्मूला लग तो जाएगा पर परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्मूला कभी भी टेक्स्ट फॉर्मेट पे परफॉर्म नहीं करता है, वो तो सिर्फ नंबर पे ही परफॉर्म करता है। राइट सर, लेकिन कब तब क्या हो, जब आपको चेक नंबर टाइप करके मिल जाए और उसमें डिजिट कम और ज्यादा। अब मुझे इसको प्रिंट आउट निकालने से पहले जीरो लगा, समझ में आया। तो इस केस में हम यूज करेंगे अपना कस्टम फॉर्मेट, क्या यूज करेंगे, कस्टम फॉर्मेट, और इस कस्टम फॉर्मेट में करेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम जीरो, एंटर प्रेस करेंगे, और आप देखिए ये आपका आ गया, विजुअल है, ओरिजिनल नहीं है, याद रखिए। अब कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा एक आर्टिकल, तो आपको मैं भेज रहा हूं अभी एक आर्टिकल, आर्टिकल जो मेरा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का है, तो माइक्रोसॉफ्ट का ये आर्टिकल को आप पढ़ ले, जहां पे कस्टम फॉर्मेटिंग को अच्छे तरीके से समझाया गया है, और उसको देखने के बाद हम बात करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग, राइट।